नमस्कार दोस्तों, ये टॉप लैंड 5 HP का इंजन है दोस्तों। इसको आज फुल मेंटेन होगा दोस्तों। आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी फिटिंग पता चल जाएगी कि इंजन को A to Z कैसे मेंटेन किया जाता है। आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे, पूरा इंजन बांधना खुद आप खुद सीख जाएंगे। इसमें दोस्तों इतना बड़ा कोई काम नहीं होता है। हम स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ आपको बताते रहेंगे कि कौन सा कहां पर पुर्जा लगता है। ये दोस्तों है आयल पंप की सीट। ये आयल पंप की सीट और दोस्तों ये जो CR बैरिंग की सीट होती है, ये सब टर्न करवाया गया है दोनों चीज़, क्योंकि इंजन पूरा जर्नल बनना है। ये है रेस, ये पंप के बाद और बैरिंग के बीच में दोस्तों ये रेस लगाया जाता है। हम स्टेप बाय स्टेप पूरी आपको जानकारी देंगे। ये है चैम्बर की मेन बैरिंग। इसमें दोस्तों चैम्बर में दो बैरिंगें लगती हैं। ये बैरिंग दोस्तों हल्की टाइट होती है, इसलिए इसको हम किसी चीज़ से हल्के हल्के ठोकर चढ़ा लेंगे, क्योंकि इसका कारण हर एक बैरिंग का कारण हल्का टाइट आता है, जिससे कि वो घूमने ना पाए। फिर पंप को हम घुमाकर देख लेंगे कि ये जाम तो नहीं कर रहा है, क्योंकि इसकी सीट बनी हुई है। ये आयल सील, एक आयल सील लगती है दोस्तों मेन चैम्बर में इंजन में। आयल सील ठोकते वक्त दोस्तों ध्यान रखा जाता है, क्योंकि आयल सील दोबारा निकालकर ठोकने में फिर वो बात नहीं रहती आयल सील में। आयल सील को हमेशा एक बार में ही ठोकना चाहिए। इसको दोस्तों सेट करके हम बैठाएंगे, इसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं हेड। इसकी वाल्व नई डाली गई है, पूरा हेड बना है इसका। वाल्व गाइड और सीट इसकी हर चीज़ बनी है। अब इसको सेट करेंगे, इसमें वाल्व की स्प्रिंग लगाएंगे हम।
इस पे हल्के हल्के हम चोट दे देंगे जिससे कि इसकी जो मक्खी लगी है वो सीट पर बैठ जाए। अब इसको हम चेक करेंगे दोस्तों पानी से। सबसे बेस्ट तरीका होता है वाल को चेक करने का पानी डालकर। अब आप देख सकते हैं दोनों वाल में कोई भी प्रकार की लीकेज नज़र नहीं है आ रही है। वाल्व सेट करने के बाद में सबसे बेस्ट तरीका होता है दोस्तों वाल्व चेक करने का। अब दोस्तों नंबर आया है सीआर बैरिंग का, जिसे ब्रास भी कहा जाता है। इस एक ही वीडियो में दोस्तों आपको पूर्ण जानकारी मिलेगी एक एक पार्ट्स की। इस पर दोस्तों निकिल होती है इसलिए इसको बहुत ही आराम से ठोकना चाहिए। इसमें दोस्तों सारा का सारा सामान लगभग कंपनी का पड़ा हुआ है। इसमें लोकल कुछ भी नहीं डाला गया है। ये दोस्तों लाइनर पिस्टन बोर ये टोटल टॉपलैंड का ही पड़ा हुआ है। ये आप देख सकते हैं इसका डिब्बा हमारे हाथ में है। क्योंकि जिस कंपनी का इंजन है उसी कंपनी का अगर बोर डाला जाए तो बहुत अच्छा ही उसका रिस्पांस होता है। ये है कनेक्टर राड। इसको दोस्तों हम पहले मोबिल लगा लेंगे, इसके बाद में इसमें हम गजन पिन लगाकर इसको हम सेट करेंगे। क्योंकि इसका भी बूस बना है, क्योंकि नया जब बोर पड़ता है तो कनेक्टर राड का बूस बनता ही बनता है, क्योंकि पुराना उसका बूस नहीं काम करता है। इसको थोड़ा ठोक लेते हैं, इसके बाद में इसमें कनेक्टर राड डालकर फिर इसको हम सेट कर कर बैठा देंगे। एल्युमिनियम का पिस्टन होता है दोस्तों, इसलिए उस पर चोट नहीं आनी चाहिए, आराम से ठोकना चाहिए। क्योंकि एल्युमिनियम टूटती बहुत जल्दी है, आप लोगों को भी पता होगा। अगर नहीं टूटी स्क्रैच भी आ गया तो फिर पिस्टन बेकार हो जाएगा। ये है लॉक। ये हल्का टाइट होता है तो इसको किसी नोकदार सामान से इसको ही लगाना चाहिए, क्योंकि हाथ से लगना इतना इम्पॉसिबल नहीं होता है। अब दोस्तों पिस्टन फिट हो गया है। अब नंबर आया है लैनर का, ये है वाटर सील। दोस्तों जब कभी आपके मोबिल में पानी जाने लगता है तो या फिर गैसकेट या फिर ये वाटर सील की दिक्कत होती है, तभी आपके मोबिल में पानी जाता है।
आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे आपको एक एक जानकारी एक ही वीडियो में पूरी की पूरी मिल जाएगी। ये है ब्लॉक। इस पर सोलेशन लगा देंगे हम, जिससे कि ये फिसले ना हो, सही से चिपक जाए। अब इसको हम ब्लॉक में बैठा देंगे हम। इसको पहले दोस्तों थोड़ा सा बैठा लेंगे, इसके बाद इसको तो हम इंजन पर बांध कर ही हेड रखकर टाइट करेंगे, क्योंकि इतने पर हेड आएगा नहीं। अब इसको हम बराबर से टाइट करेंगे, क्योंकि अगर बराबर से नहीं होगा तो फिर इसका जो लाइनर है वो आउटसाइड हो जाएगा, इसके वजह से इसकी जो सील लगी हुई है वाटर सील वो खिसक जाएगी। अगर वो खिसक गई तो फिर आपके मोबिल में पानी जाना बंद नहीं होगा, इसलिए इसको बहुत सावधानी से टाइट किया जाता है। ये दोस्तों पिस्टन बैठाने में इसको बहुत ध्यान रखा जाता है कि इसकी रिंग ना टूटने पाए। अगर आप इसकी रिंग हाथ से नहीं बैठा सकते तो इसमें आप पेचकस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस सबसे लास्ट में आयल वाली रिंग होती है जो कि मोटी होती है, ये आयल पंप बंध रहा है इसमें। ये 10 नंबर के नट से बंधा होता है, इसमें 3 नट लगे होते हैं, आयल पंप बंधा होता है इसमें। मोबिल
मोबिल ऑयल पंप होता है इसमें, डीजल मत समझ लेना। ये है बेड और ये है मोबिल फिल्टर। ये है कैम, कैम एडजस्टिंग कैसे सेट किया जाता है इसकी वीडियो मेरी पहले से भी पड़ी हुई है और मेरी और भी है जो आप देख सकते हैं, क्योंकि इसी में हर एक चीज़ को बनाते हैं तो बहुत लंबा वीडियो खींच जाता है। ये कैम उसका नट होता है, इसको टाइट किया जाता है। इसमें जो वाल गाइड होती हैं उनको पहले ऊपर उठा को लिया जाता है, इसके बाद फिर कैम को डाला जाता है। अगर वो नहीं उठाई गई तो फिर कैम नहीं लगेगा या फिर वो नीचे गिर जाएंगी। ये दोस्तों गवर्नर से मिली, इसको हम पैकिंग में सुलेशन लगाकर फिर इसको हम लगाएंगे।
इसमें 210 नंबर का नट लगा होता है, 10 नंबर से टाइट होगा। ये ब्लॉक अब हम लगाएंगे दोस्तों, क्रैंक पर इसको हम बांधेंगे कनेक्टर राड को। इसमें दोस्तों ब्लॉक में पहले से ही हमने पिस्टन को डाल रखा है, इसका कनेक्टर राड जो है क्रैंक पर अब बांधेंगे जिसमें ब्रास लगा हुआ है। इसमें दोस्तों 10 नंबर का ब्रास लगा हुआ है, 10 नंबर पर क्रैंक बना है, पहली बार बना है। दोस्तों पंप क्रैंक और हेड का सब सारा का सारा काम अपने पास ही होता है। दोस्तों जो नीचे का पल्ला बांधा जाता है इसका सीआर बैरिंग का, उसमें नंबर पड़े होते हैं, जिस नंबर को हो उसी साइड बांधा जाए, अन्यथा वो भी बंधेगा नहीं। ये जो पट्टी बनी हुई है इस पर इसके नंबर पड़े होते हैं। इसको दोस्तों बांधने से पहले ये ध्यान रखा जाए कि आप किसी कीप से या किसी चीज़ से इसके ब्रास पर मोबिल डाल दें, क्योंकि जब पंप चलेगा तभी इसमें मोबिल पहुंचेगा, इससे पहले उसमें भी चिकनाई के लिए आप मोबिल डाल दें। ये है टाइमिंग गियर। दोस्तों इसमें पॉइंट बने होते हैं, अगर पॉइंट से एक भी दांत इधर या उधर हुआ तो टाइम फास्ट हो जाएगी या डाउन हो जाएगी, तब इंजन के लिए बहुत बड़ी दिक्कत होती है। दोस्तों ये छोटा सा काम अगर गड़बड़ हो गया, और ये समझ लीजिए इसी के ऊपर पूरा इंजन डिपेंड करता है, टाइमिंग के ऊपर ही। वैसे इसमें कोई कठिन बात नहीं होती दोस्तों, इसकी दिक्कत लिस्टर में आती है बड़े इंजन में, बाकी ये जो छोटे वाले इंजन होते हैं इनमें टाइमिंग पॉइंट बना होता है, और उसमें जो आइडियल गियर पड़ता है लिस्टर में उसमें सेट करके ही डालना पड़ता है, क्योंकि उसमें फिर कठिन होता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं होती, बस पॉइंट को ध्यान रखना होता है। दोनों पॉइंट के बीच में सेट करके लगाया जाता है। ये टाइमिंग गियर का लॉक है। इसको अच्छी तरह से टाइट कर दिया जाता है। ये नई गैस्केट है। इसके नीचे और ऊपर दोनों तरफ से इसमें ग्रीस लगा ली जाती है, जिससे कि चिपक कर बैठ जाए। इसमें सुलेशन या किसी प्रकार का भी अन्ना बांडे को नहीं लगाया जाता है।
इसमें केवल ग्रीस ही लगाई जाती है। ये है हेड। इंजन को बांधने में दोस्तों जल्दबाजी नहीं की जाती है। इसमें चार नट लगे होते हैं जिनको अच्छी इसमें एक नट को नहीं टाइट किया जाता, इसमें आमने सामने से टाइट किया जाता है। ये है नया साइलेंसर। इसमें साइलेंसर और क्लीनर हर चीज़ बदली गई है। दोस्तों जो 6.5 और 8 के और दूसरे इंजन होते हैं उनमें हेड और ब्लॉक अलग अलग बनता है, लेकिन इसमें लिस्टर जैसा सिस्टम होता है, इसमें एक ही स्टड में दोनों चीज़ बनती है, हेड और ब्लॉक। और जो हाई स्पीड के इंजन होते हैं उनमें फिर अलग अलग बनता है ब्लॉक और हेड। ये दोस्तों पंप का नंबर है, हम पंप को बांध रहे हैं। इसमें भी डीबी और प्लंजर नया पड़ा हुआ है। इसके पंप की दोस्तों फुल सर्विस हुई है। इसका जो राकर सीट होती है वो भी बनी थी, इसकी राकर भी नया बदला गया है क्योंकि राकर में चाल ज़्यादा हो गई थी। नया पंप होने पर दोस्तों इसमें सिम डाल ली जाती है, क्योंकि जब नया पंप बनता है तो उसको मार की ज़रूरत कम होती है, यानी कि ठोकर की। ये एडजस्टर है, इसको हम सेट करेंगे क्योंकि राकर अब बंधा है। राकर के हिसाब से एडजस्टर को सेट किया जाता है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। अब ये फिल्टर पाइप जो है उसको हम पंप से बांधेंगे।
दोस्तों हमारी कोशिश यही रहती है कि हम कोई भी इंजन बने, वो छोटा काम हो या बड़ा काम हो, उसकी हम वीडियो बनाने की हर हाल में कोशिश करते हैं। दोस्तों हमारे पास ट्रैक्टर का भी काम होता है, ट्रैक्टर का इंजन बनता है, ट्रैक्टर का सारा काम होता है। अगर आप लोग इच्छुक हों तो उसको भी हम डाला करें, आप कमेंट में बताएं, ट्रैक्टर का भी हम वीडियो डाला करें, क्योंकि हमारे पास ट्रैक्टर का भी इंजन और फुल सर्विस हाइड्रोलिक हर चीज़ का काम हमारे पास ट्रैक्टर का भी होता है। अगर आप लोग भी इच्छुक हों देखने के लिए तो हम भी उसका नॉलेज आपको बताएंगे, बस आप कमेंट में बताएं, फिर हम ट्रैक्टर का भी वीडियो डाला करेंगे। ये है ऑटो मेजर, या आप इसे इंजेक्टर भी कहें, इसमें भी नाजल नया पड़ा हुआ है, यानी कि इस इंजन में सारा का सामान नया ही पड़ा हुआ है। और एक बात हम आपको और भी बता दें, ये जो छोटे इंजन होते हैं कामेट वाले, इसमें कोई भी सामान लोकल का नहीं डालना चाहिए, लोकल का सामान डालने पर इंजन की लाइफ नहीं होती है और वो बहुत जल्दी ही ख़राब होता है। और दोस्तों एक हम बात बता दें, बड़े इंजन के हिसाब से छोटे इंजनों का मोबिल बहुत जल्दी ही बदलना चाहिए, जिससे कि इंजन की लाइफ ज़्यादा होती है। अब इसमें हम डीजल डालेंगे। अब इसमें सारी प्रक्रियाएं दोस्तों पूरी हो चुकी हैं, अब इसको हम एयर निकाल कर फिर इसको हम स्टार्ट करके हम आपको दिखाएंगे। एयर निकालना हमने इसलिए पहले ही बता दिया है, पंप बांधने के बाद में अगर प्लंजर निकाला गया है, खोला गया है, फिर आप बिना एयर निकाले इंजन को आप स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। इसमें मोबिल पड़ेगा, इसमें दोस्तों 1.5 लीटर मोबिल पड़ता है, ये क्लास्कर का मोबिल है जो कि 1.5 लीटर की पैकिंग में आता है।
अब हम सबसे पहले मोबिल गैस देख लेंगे इसका। हम अभी कुछ कम है इसमें, थोड़ा सा और हम डाल देंगे। इसके आरपीएम के हिसाब से इसमें मोबिल ऑयल कम पड़ता है, इसलिए इसमें मोबिल ऑयल जो डाला जाता है तो ब्रांड का ही डालना चाहिए। क्योंकि अगर मोबिल की चिकनाई चली गई फिर आपका इंजन समझ लीजिए डेड हो गया। अब इसकी हम वाल सेट करेंगे, क्योंकि हेड बना है नई, इसमें वाल पड़ी है, इसलिए इसके जो है पुसराट में जंप ज़्यादा है। इसलिए सबसे पहले हम इसकी टाइपेड चिड़िया को सेट करेंगे। इसकी चिड़िया में कितना जंप रखना है हमारा पहले से वीडियो पड़ा है, उसको आप देख सकते हैं कैसे एडजस्ट किया जाता है। चलो देखो, अर्पित हाँ कंप्रेसर कार्ड अटक रही है। अब इसको दोस्तों हम स्टार्ट करेंगे, हर चीज़ क्लियर हो गई है। इसमें एयर थी इसलिए हमने इसको एयर निकाला है। इसको दो तीन बार चेक कर लिया जाता है राकर को बंद करके कि तेल बंद हो रहा है या नहीं बंद हो रहा है। स्टार्ट करने में भी बड़ी दिक्कत हो जाएगी।